अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो भाई, क्या हाल है? तो कैसे हो आप लोग? गाइस, M3 और M4 की ऐसी डिटेल्स लाया हूँ कि आप हैरान परेशान रह जाओगे। भाई खुशखबरियाँ हैं, खुशखबरियाँ हैं मेरी जलमी आर्मी के लिए। भाई बता रहा हूँ तुम लोगों को, तुमसे और मुझ में, मतलब यानी हम दोनों में कोई बात ढकी छुपी नहीं है। तो सीधी सीधी तरह बता रहा हूँ कि भाई बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली है। और उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम लोगों को लाजमी से लाइक सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना इस वीडियो पर। भाई लाइक का एम है 12,000 का। और आप लोग बताना चलूँ कि बहुत पहले एक पबजी मोबाइल में एक स्किन आया करती थी गोल्डन कलर की, अब वो स्किन दोबारा आ रही है रॉयल पास में, RP क्रेट में आप लोगों को मिलेगी, RP ट्रेजर क्रेट में। आप लोगों को शॉटगन की स्किन, कार 98 की स्किन याद है? वो पहले हम स्ट्रीमर्स को देखते थे, अगर आप लोगों ने पहले ज्वाइन नहीं किया था, अब ज्वाइन किया तो आप लोगों को नहीं पता होगा, पर पहले वालों को पता था कि भाई काफ़ी बेहतरीन किस्म की शॉटगन की स्किन एक मौजूद है पबजी मोबाइल में गोल्डन कलर की। उसके अलावा कार 98 की स्किन, इसमें एक M4 भी है, दुआ करो वो भी चीज़ इंक्लूड कर दे पबजी मोबाइल। अब M16A4 को इंक्लूड कर दिया गया। यार ये गोल्डन स्किन ना कहीं मुकाबला करती है, पता है, अपग्रेडेबल स्किन का, मतलब इसका किल मैसेज तो नहीं होता पर यार करीब से क्या ही इंटरेस्टिंग किस्म का ये लुक देती है, ठीक है। साथ साथ ये जो सीजन 3 का बनी सेट है दोबारा से आ चुका है आप लोगों के सामने, ठीक है। ये कुछ ड्रेसेस सीजन 6-7 के भी हैं, दोबारा से दे दिए इन्होंने, ठीक है, सीजन 11 का, सीजन 6 का। बट उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो बनी सेट है वो आप लोगों को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और उसके अलावा कुछ पेन वैन भी, ये पेन आप लोगों के पास पहले से मौजूद होंगे, इतनी टेंशन नहीं है। सीजन 6 का पैराशूट, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो कि दोबारा से आ रही है। और पबजी मोबाइल एक नया मोड लॉन्च कर रहा है अगले सीजन, और वो आप उस मोड के बारे में आप लोग बता चलो, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म का मोड है। इस मोड का नाम है फ्लोरा मैनेस। भाई काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप लोग जैसे देखा है मिशन इग्निशन का मोड है ना, इस तरीके से मिशन इग्निशन में आप लोगों के सामने अब एलियंस भी आ जाएंगे, ठीक है। आप लोगों का स्पॉन आइलैंड देख रहे हो आप लोग, यार काफ़ी इंटरेस्टिंग कलर है, बिल्कुल 2D लग रहा है। ये फर्स्ट टाइम पबजी मोबाइल ने कुछ इंटरेस्टिंग और यूनिक चीज़ ट्राई की है कि पबजी मोबाइल ने अपना जो मैप है उसको 2D कर दिया है। इरेंगल जैसा एक मैप आप लोगों को लग रहा है, इरेंगल कह रहा हूँ, TDM जिस तरह का जो मैप आप लोगों को लग रहा है, ठीक है। स्पॉन आइलैंड है, आप लोगों को वेट करना पड़ेगा यहाँ पे कुछ देर के लिए। भाई कलर्स को देखें, भाई ब्लू ग्रीन येलो रेड, ऐसा लग रहा है आप सो रहे हो, मतलब आप ख्वाब में हो, मतलब आप लोगों की ना पूरा जो है इमेजिनेशन टाइप की इन्होंने ये जो एम्बियंस बनाया हुआ है पूरा का पूरा। देखिए आप लोग एक एक चीज़ जो है वो अलग अलग ऐड की गई है, और ये मिशन इग्निशन में आने वाला है नेक्स्ट सीजन आप लोगों के पास, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि मिशन इग्निशन 2.0 यानी कि कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग, कुछ ज़्यादा यूनिक, कुछ ज़्यादा आला और कुछ ज़्यादा बेहतरीन किस्म की चीज़ आने वाली है। यहाँ पे एलियंस भी होंगे बीच में, अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ एलियंस की, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने भाई पूल पत्तों और एलियंस को मिलाने की कोशिश की है, ठीक है, नेचर और एलियंस का मिलाप हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब इनके मिलाप का समय है वाली कहानी हो गई है, ठीक है। अब देखें आप लोग, यार यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ दिख रही है, कुछ ना कुछ हिलता हुआ भी नजर आ रहा है आप लोगों को। अब आगे जाएंगे जो बड़ा सा दरख्त आप लोगों को नजर आएगा उसके अंदर आप लोगों ने गौर करना है, एक अंदर भी एक चीज़ है जो कि ग्लो कर रही है आप लोगों के सामने, ठीक है। तो इरेंगल का जो नया लुक है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा इसमें। अभी तो ये मैंने सिर्फ जॉर्जोपोल आप लोगों को दिखाया, अब और भी बहुत सारी जगह हैं जिसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं, ठीक है। इसको कुछ भी नहीं होगा, ना फायर करने से कुछ होगा, बट आप लोगों को यहाँ पे आप आ गया, ठीक है। ये फ्लोरा मेंस में आप लोगों को अगर जाना है तो आप लोग 4-3-2-1 से आप लोग जब बैठोगे इसमें, जब आप लोग उड़ने लग जाओगे तो यहाँ पे आप लोग एक TDM में चले जाओगे, जो कि इंटरेस्टिंग बात उसकी ये है कि वो 4 बंदों का TDM होगा, ठीक है। यहाँ पे जो कैप्सूल हैं ये ऊपर अटैच हो जाएंगे और आप लोग उसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए टीम ए में मैं चला गया हूँ, यहाँ पे देखिए अब यहाँ भी तो मेरे पास बॉट है क्योंकि बीटा वर्जन है, और जो फायर है वो भी ठीक नहीं हो रहा, पर इसी तरीके से 4 जो लोग आएंगे, 4 टीम्स आएंगी और 4 टीम्स की आपस में फाइट होगी। आप लोग फाइट करने के बाद जो है यहाँ पे कुछ कॉइन्स भी जमा कर सकते हैं, उन कॉइन्स के बारे में इंटरेस्टिंग बात आपको बताता चलूँ कि वो जो फ्लोरामेंस कॉइन है वो आप लोगों को नीचे इरेंगल के अंदर गन्स भी देंगे, ठीक है। यानी कि जो आपकी मर्जी की गन होगी वो आप लोगों को मिल जाएगी, मैं आप लोगों के सामने अभी करके दिखाता हूँ कि कैसे आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। 4 टीमें यहाँ पे आप लोगों के सामने मौजूद है, आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ खेलना है, मतलब अपना फन करना है, जो भी फन वाली बात है सब कुछ वही होगा और कुछ भी नहीं होगा। यहाँ अभी तो हमारे सामने बॉट शो हो रहे हैं पर ये रियल प्लेयर होंगे, ठीक है, और बीटा वर्जन है तो तभी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ठीक नहीं आ रही, पर ये सारी की सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। देखिए ये इन कॉइन्स की मैं बात करते हैं, इन कॉइन्स को आप लोग जमा कर लोगे, जब जमा करोगे इन कॉइन्स को, जब आप नीचे इरेंगल में जाओगे, अब मैं आप लोगों के सामने जाके दिखाता हूँ, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल सकती हैं इन कॉइन्स की वजह से, तो लाजमी जमा कर लें। देखिए यहाँ पे एक जो रास्ता होगा उस पर आप लोगों ने क्लिक करने जाना है उस जगह पे, तो वहाँ पे आप लोगों के लिए मतलब नीचे की तरफ कैप्सूल चला जाएगा और आप लोग नीचे उतर जाओगे, ठीक है। अब नीचे उतरते यहाँ पे आप लोगों को पैराशूट फिर से बता रहा हूँ कि नहीं दिखेगा, क्योंकि पैराशूट दिखने की मेन वजह यही है, ना दिखने की मेन वजह यही है कि आप लोगों के सामने ये बीटा वर्जन है, बीटा वर्जन में आप लोगों के सामने बहुत सारी मिस्टेक्स होती है क्योंकि ये फाइनल वर्जन
नहीं होते, द बीटा वर्जन नॉट डज नॉट रिप्रेजेंट द फाइनल क्वालिटी, ठीक है। तो यही सारी की सारी बात है। अब देखें यहाँ पे आप लोगों के सामने जब वो कॉइन्स आ चुके थे तो आप कॉइन्स को क्या है, जैसे मेरे पास 1050 कॉइन्स है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ना अपने लिए ATM मंगवाता हूँ, ठीक है, लेट्स सपोज। तो देखें मैंने ATM पे क्लिक करना है, ठीक है, और उसके बाद अपने लिए ATM मंगवा लेनी है। जब ATM पे क्लिक करूँगा तो आसमान से मेरे लिए एक ATM आगे गिरेगी, ठीक है। देखें ये देखें, अब नीचे मैंने जब कैप्सूल मंगवाया, कैप्सूल नीचे आएगा आहिस्ता से। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, अब गोलियाँ मैंने नहीं मंगवाई, सिर्फ गन मंगवाई, तो मेरे पास ATM की एक गन आ चुकी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा आराम से। उसके अलावा कुछ सप्लाई क्रेट्स आप लोगों के सामने आ चुके हैं, ठीक है, उसके जिसमें कुछ नॉर्मल किस्म के ड्रेसेस है, जो ड्रेसेस पबजी मोबाइल इसी तरह के ड्रेसेस अक्सर अपने फ्री जो हमारे पास इवेंट होते हैं उसमें देता है, ठीक है। उसके अलावा सीजन 10 की जो US की स्किन है वो भी, सीजन 12 की PP बाइजन की स्किन भी आ रही है आप लोगों के पास, कुछ इंटरेस्टिंग किस्म के बैग, सीजन 8 का मास्क और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही है आप लोगों के सामने। अगर हम इनको देखें तो यार ये आप लोगों को मिरामर में नजर आता था ये वाला ड्रेस, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म का ड्रेस है। ये US की स्किन देखो मेरे पास तो मौजूद है और बहुत सारे लोगों के पास मौजूद है जिन्होंने सीजन 10 में रॉयल पास लिया हुआ, ठीक है, काफ़ी कलरफुल किस्म का रॉयल पास। और अगर कोई मुझसे पूछे कि यार उस टाइम पे से अभी तक अपने टाइम के हिसाब से, यानी कि अगर हम देखें अभी सीजन 2 का रॉयल पास या 3 का रॉयल पास, वो तो बहुत बेकार हो जाएगा M3 या M4 के सामने। पर अगर मैं बताऊं अब तक का सबसे बेस्ट रॉयल पास कौन सा आया था अपने टाइम के हिसाब से, तो मेरे हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो सीजन 8 का रॉयल पास था भाई। सीजन 8 के रॉयल पास को उस टाइम पे ना लोग हैरान रह गए थे कि इतनी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ें कैसे आ गई पबजी मोबाइल ने। आई थिंक जो रॉयल पास बनाती है वो जो चीज़ें बनाती हैं उसकी रॉयल पास की, ठीक है, उसकी कंपनी को ही चेंज कर दिया था, यानी कि लोग ही चेंज हो गई थी, पूरी टीम ही चेंज हो गई थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म का रॉयल पास था। उसके अलावा सप्लाई क्रेट हमारे पास आ चुके हैं, पिनोकियो की जो ड्रेस आ चुका है भाई पिनोकियो का, और साथ साथ उसकी जो गन स्किन्स है, और गन स्किन में कार 98 आप लोगों के पास है, और साथ साथ ये जो US है ये मैटर करती है भाई। आप लोगों को बता रहा हूँ गाड़ियों की स्किन्स बहुत रेयर होती है, ठीक है, उनको बहुत आराम से मतलब ज़ाया मत किया करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इस सप्लाई क्रेट में जो गाड़ी की स्किन है बहुत मैटर करेगी, पहले तो बहुत ज़्यादा मैटर करती थी ये चीज़ें। जैसे लास्ट टाइम डासिया की स्किन आ चुकी है, वो आपके भाई को निकल चुकी थी, मैंने स्टोरी भी लगाई थी अपने इंस्टाग्राम पे। तो गाइस जल्दी से तुम लोगों ने इंस्टाग्राम पे लाजमी से फॉलो कर देना, गेमिंग जलमी इंस्टाग्राम है मेरा, ताकि मैं आप लोगों को छोटी छोटी इंटरेस्टिंग किस्म की जो अपडेट होती है वो वहीं पर ही दे दिया करूँ। लाजमी से अपने चाचा मामा ताया किसी के भी अकाउंट से जल्दी से फॉलो कर देना। और तुम लोगों ने क्या करना है, तुम लोगों ने ना सिर्फ एक दफ़ा अपने चाचा मामा ताया का अकाउंट ले लेना है और उस पर देखना है कि स्टोरी में मैंने कोई इंपॉर्टेंट बात की है नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स करने लगा हूँ पबजी मोबाइल से रिलेटेड, तो आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा। मे बी मैं कुछ रॉयल पास का गिव अवे भी कर दूँ, जिस तरीके से मैंने बाद में फिर लाइव स्ट्रीम पे बहुत सारे गिव अवे किए थे। तो M3 और M4 के रॉयल पास के लिए आप लोगों को ना उम्मीद नहीं होने, एक क्षमा जल रही है, एक उम्मीद की लौ जल रही है जो आपका भाई आप लोगों को रॉयल पास देगा। साथ साथ आप लोग बता चलूँ भाई QBZ और उसके अलावा हमारे पास वेक्टर की स्किन भी आ रही है, ये बताना तो मेरे लिए सिर्फ फॉर्मेलिटी। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इसको अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, पर हम क्या कर सकते हैं, हमारी तो यही ड्यूटी है, जो हमें बताया जाता है तो हमें वो बताना पड़ता है आगे। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, में आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताना चलूँ कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो, और इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाजत। #दिल पे हाथ रख के जलमी आर्मी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।